हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है द जुडिशरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इससे पहले भी काफ़ी मैंने वीडियोस बना दी हैं सिविक्स पे, तो पहले वो देख लीजिएगा तभी आपको एक कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको मालूम पड़ जाए। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं एक रिकैप कर देता हूँ ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कुछ आइडिया लगे। इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरीके से थ्री टायर सिस्टम है। थ्री टायर क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा है होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हमारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हमारे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे इंडिया में, एक ही कोर्ट होता है पूरे इंडिया में, एक ही कोर्ट है जो कि दिल्ली में, हर एक स्टेट का मेनली। ठीक है, अगर देखो इंडिया में इस टाइम 24 के आसपास हाई कोर्ट है। जनरली जो स्टेट लेवल पे कोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट, और जो सिटी के लेवल पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे कि मैं आगरा में रहता हूँ, तो आगरा में मेरा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, और फिर ऊपर जाऊंगा तो इस आगरा में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर जब मैं ऊपर जाता हूँ तो यूपी की बात आती है, क्योंकि आगरा यूपी में आता है, तो यूपी में एक हाई कोर्ट है जो है इलाहाबाद में। फिर ऊपर जाएंगे तो एकदम पूरे इंडिया का एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो कि है दिल्ली में। तो इस तरीके चलता है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर जनरली आपको कोई केस फाइल करना है तो पहले जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। पहले कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ तो मैं आगरा में फाइल करूंगा, फिर जब मुझे लगेगा कि आगरा में डिसीजन ठीक नहीं निकल रहा आगरा की कोर्ट का, तो फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाऊंगा। यहाँ पे भी अगर डिसीजन जो निकलता है उससे अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। तो जनरली ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जुडिशियल सिस्टम का। अब आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वीडियोज आप देख लीजिएगा सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाके। तो अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब ये है जो सिटी के लेवल पे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर तीन कोर्ट आते हैं। पहला होता है सिविल कोर्ट, एक होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट, और एक होता है रेवेन्यू कोर्ट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सिविल कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिविल मैटर्स के बारे में डिस्कशन होता है। सिविल मैटर मतलब होता है शादी को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर जो एक जायदाद की विल होती है कि मेरे बाद ये मेरा घर अपने मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, एक आधा लड़के को मिलेगा आधा लड़की को मिलेगा, तो ये सब बातें होती हैं विल की, विल की, शादी की बात, डिवोर्स की बात, ये सारे जो केस होते हैं ये आते हैं सिविल के अंडर में। क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल में होता है मर्डर हो गया, कुछ डाकू आ गए आपके घर में, ठीक है, या फिर आपका बहुत ज्यादा कोई लड़ाई हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर आपसे पे को कर रहा है, किसी ने आप पे गोली चला दी, तो ये सारे जो केसेस हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं, ये सारे देखे जाएंगे क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, फिर होता है रेवेन्यू का, रेवेन्यू में होता है पैसे से लेके जितना भी सारा पंगा पड़ता है पैसे का, जमीन जायदाद का पंगा, ये सारे जो केसेस हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में आते हैं। तो ये सीधी सीधी कहानी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट जिन्हें हम बोलते हैं, ये तीन तरीके के हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने बता दिया कि सिविल कोर्ट में क्या होता है, मैरिज, विल और डिवोर्स के बारे में देखा जाता है। अब होता क्या है, जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का जो, अब जैसे कि हर एक लेवल पे हमें पता है कोर्ट में जज होता है, तो जब हम बात करते हैं सिविल कोर्ट की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है सिविल कोर्ट में वो होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो सबसे बड़ा जो सिविल कोर्ट है एक सिटी लेवल पे, वो होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पे हेड कौन होता है इस कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में, इसमें होता है डिस्ट्रिक्ट जज, नाम ही जैसा नाम है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इससे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज ही हेड है, ठीक है, और यही डिस्ट्रिक्ट जज ये क्रिमिनल कोर्ट में भी बैठता है, यही डिस्ट्रिक्ट जज सिविल कोर्ट में बैठेगा, यही डिस्ट्रिक्ट जज कहां बैठेगा आपका क्रिमिनल कोर्ट में। जब ये डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल कोर्ट में बैठता है, क्रिमिनल केसेस देखता है, तो उसको इसी डिस्ट्रिक्ट जज को हम बोल देते हैं सेशन जज। ठीक है, सिर्फ टाइटल चेंज हो जाता है, बंदा वही है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट का गवर्नर। ठीक है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है ऐसी स्टेट पे गवर्नर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नर करेगा, और किससे कंसल्ट करता है, हाई कोर्ट से। ठीक है, जो हाई कोर्ट जो होता है, जैसे यूपी का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, वहां पे जो जजेस बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस है वहां का, जजेस हैं, उनके कंसल्टेशन वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको बनाना है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, आगरा लेवल पे किसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, ये यूपी के हाई कोर्ट में बैठ के वहां पे जजेस और चीफ जस्टिस वगैरह डिसाइड करेंगे। अपॉइंट कौन करेगा, जो यूपी का गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा।
ठीक है, आगरा का डिस्ट्रिक्ट जज, समझ में आ गया, ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। अब फिर दूसरा देख ले क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में भी मैंने बताया था क्रिमिनल कोर्ट जैसे सिविल कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसे ही क्रिमिनल कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, ठीक है, वो है सेशंस कोर्ट। देखो ऐसे ये समझ लो तीन तरह के कोर्ट होते हैं, जैसे मैंने बता दिया सबॉर्डिनेट लेवल पे सिविल, क्रिमिनल और तीसरा कौन सा है रेवेन्यू। तो इन तीनों का अपना अपना एक हाईएस्ट कोर्ट है, इसके अंदर एक हाईएस्ट कोर्ट होता है, इसके अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट है उसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो पीछे पढ़ा दिया मैंने। ऐसी क्रिमिनल के अंदर आ जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, सेशंस कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो है सेशंस कोर्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिविल लेवल पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल लेवल पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, तो वो है सेशंस कोर्ट, ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है। फिर रेवेन्यू लेवल पे कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है, ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो क्रिमिनल लेवल पे कौन सा है, सेशन कोर्ट है, जिसको हम हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का। अब इस पे कौन बैठता है, इस पे भी मैंने जैसा बताया था, जैसे यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वही बंदा यहाँ बैठता है, ठीक है। जब वो यहाँ बैठता है तो उसका नाम डिस्ट्रिक्ट जज की जगह से सेशन जज बोल देते हैं, लेकिन जो बंदा है, जो इंसान है, वो शख्सियत है, वो सेम ही है। यहाँ पे क्या केस देखे जाते हैं क्रिमिनल में, यही सब, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, इस तरीके से डकैती हो गई, तो ये सारे केसेस, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जब हम सिटी लेवल पे बात करते हैं, तो एक तो होता है सिटी लेवल पे जज और एक होता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब बात सिटी लेवल की होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, तो एक तो होता है आपका जज और एक होता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मैजिस्ट्रेट कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं डीएम, ठीक है। जैसे छुट्टी हो जाती है ना आपकी, बोलते हैं कि आज डीएम ने छुट्टी कर दी, बारिश हो गई तो आज डीएम ने छुट्टी कर दी, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया आज डीएम ने छुट्टी कर दी, तो ये डीएम कौन है, ये डीएम वही है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो क्या फर्क होता है एक डिस्ट्रिक्ट जज में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में, फर्क ये होता है जो जज होता है ये देखता है मेनली जजमेंट वाले काम, जो केसेस आते हैं वो जजमेंट देखता है, जो मैजिस्ट्रेट होता है ये मेनली एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, एग्जीक्यूटिव का वर्ड का मतलब यही है, जो काम देखेगा, ठीक है, जो काम काम देखेगा कि डेली बेसिस पे जो काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो सिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, मान लो सिटी में कुछ दंगे हो जाए या सिटी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कौन देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो एग्जीक्यूटिव वाले काम है ये देखेगा आपका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर कुछ जजमेंट सुनानी हो, कुछ जजमेंट वाले केसेस देखने हो, कुछ अगर ओपिनियन देना है, वहां जजमेंट देनी है, तो ये केस कौन, ये सब चीजें कौन देखेगा, वो देखेगा आपका डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जुडिशियल मैटर्स देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो मेनली एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और वैसे भी एक एक और चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो मेनली ये सारे एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट्स हैं, जब भी वर्ड मैजिस्ट्रेट लग रहा है तो ये आप समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव वाले जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो एक तरीके की मैजिस्ट्रेट के अंदर आती है। तो जुडिशियल जो वाला पार्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज देखता है। तो इसके बाद आता है फाइनली हमारा रेवेन्यू कोर्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट क्या क्या होता है, रेवेन्यू कोर्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये सारे जितने भी ये लैंड से रिलेटेड चीजें हैं कि आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना है, कहीं से पैसा निकालना है लैंड को लेके, फार्मर से रेवेन्यू कलेक्शन करना है, तो जितने भी पैसे वाले जो रिलेटेड, नाम से समझ में आ रहा है रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, ठीक है, पैसे से लिंक जो चीजें हैं, ठीक है, जमीन को लेके जो चक्कर पड़ जाते हैं, जमीन को लेके जो विवाद हो जाते हैं, जमीन को लेके लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, रेवेन्यू कलेक्शन वाला, वो सारा का सारा मेनली रेवेन्यू कोर्ट के अंदर आता है। और जैसे कि मैंने बोला हर एक का एक हाईएस्ट कोर्ट होता है, सिविल के अंदर अपना कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन के अंदर सेशन कोर्ट है, ऐसी रेवेन्यू कोर्ट के अंदर भी इनका एक हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ कलेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ कलेक्टर इज हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से हमने तीनों खत्म कर दिए सबऑर्डिनेट कोर्ट। फाइनली आता है लोक अदालत। अब लोक अदालत क्या है, देखिए जब भी कोई केस होता है ना तो उसमें बड़ा लगता है पैसा, तो इतना आसान नहीं होता केस लड़ना, पैसा चाहिए आपको, वकील चाहिए, तो बड़ी इतना आसान प्रोसेस नहीं है, मतलब बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब हर जो मान लो गरीब आदमी है उसके ऊपर कुछ केस हो जाए, उसके ऊपर कुछ कोई आपदा आ जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो गरीब आदमी भी पैसे नहीं है, ठीक है ना, उसके पास इतना ज्यादा उसको समझ में आती हैं चीजें, ठीक है, वो इतना बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ये गरीब आदमी क्या करे, ठीक है, पैसा भी नहीं है और इतना उसको समझ भी नहीं है, तो इनके लिए बनी हुई है लोक अदालत, जिसको हम बोलते हैं पीपल कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई फीस नहीं होती, ठीक है, कोई कोर्ट की फीस नहीं है। लोक अदालत चलाता कौन है, ठीक है, लोक अदालत में मेनली जितने भी रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये लोग बैठते हैं, ठीक है, और कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, तो ये इस तरीके से होता है। तो एक तरीके का ये एक समझ सकते हो आप ऑल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे जस्टिस जो होता है ना बड़ा क्विक होता है, बड़ी जल्दी केस सॉल्व होते हैं। इन जनरल अगर आप जाओगे ना कहीं पे केस सॉल्व करवाने इंडिया में, तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं कि
बहुत टाइम लग जाता है केस सॉल्व करने में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। आप देखोगे बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग में होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और पैसा ही बहुत लगता है। बट लोक अदालत में ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी जल्दी जस्टिस मिलता है, ठीक है, और बिल्कुल ही चीप है, कोई उसमें कोर्ट की फीस नहीं है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का भी बहुत सारा काम बचता है, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी गवर्नमेंट, इतने सारे केस हैं तो गवर्नमेंट केस देख नहीं पाती, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो जुडिशियल सिस्टम इंडिया का जो है, मेन स्ट्रीम जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें इतने सारे केसेस हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये लोक अदालत काफ़ी सारे केसेस यहाँ से निकाल लेती है, ठीक है, आप खुद खुद देखती है। तो इससे क्या है, जो हमारा नॉर्मल जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर लोड कम हो जाता है, क्योंकि लोक अदालत देख रही है ना आपके केसेस, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है इसमें, हाई कॉस्ट कम हो जाती है। मैंने बोला इसमें कोई पेमेंट नहीं है, गरीबों के लिए मेनली बनाया गया है, तो आपका एक तो पैसे की बचत होती है बहुत सारी, वकीलों का टेंशन नहीं है आपको, फिर और जल्दी होता है, स्पीडी, ठीक है, जो जस्टिस है स्पीडी है, टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है, ये चीज़ है। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये जस्टिस थे भगवती, 1985 में इन्होंने सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट किया था, पहला लोक अदालत लगा था, तो तब से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लोक अदालत हैं, आपको देखो हर सिटी में कहीं ना कहीं आपको लोक अदालत मिल जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, सोशल जस्टिस आता है। सोशल जस्टिस मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि जो जो न्याय सिर्फ अमीरों को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय गरीबों को भी मिलना चाहिए। इस दुनिया में जो भी एक इंसान है, हर एक को न्याय मिलने का इक्वल अधिकार है। तो अगर तो गरीब को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील नहीं कर सकता, मुझे अगर समझ नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकता। तो इससे क्या होगा, गरीबों को भी लगेगा कि जो ऑल ओवर जो दुनिया है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है, गरीबों की भी सुनने के लिए लोग बैठे हैं। तो ये चीज़ है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है लोक अदालत, ठीक है। तो ये हो गया, तो गाइज ये था वीडियो। अब हम लोग इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, इसका नीचे मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको हिट करें और हमसे जुड़ें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।